हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR को पढ़ेंगे। SCR की फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसका मतलब है कि SCR सिलिकॉन का बना हुआ होता है और जो रेक्टिफायर जो एक रेक्टिफिकेशन करता है वो कंट्रोल्ड होता है, यानी कि जो आउटपुट आएगा रेक्टिफायर का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना इनपुट को चेंज किए हुए। जबकि जनरली जो रेक्टिफायर होते हैं जो डायोड से बने हुए होते हैं उनमें हम बिना इनपुट को चेंज किए हुए आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। सिलिकॉन का बना हुआ होता है इसलिए इसको हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। SCR थायरिस्टर फैमिली का पार्ट है और थायरिस्टर फैमिली का सबसे पुराना पार्ट होने की वजह से और सबसे ज़्यादा यूज आने की वजह से SCR थायरिस्टर का सिनोनिम्स होता है, यानी कि SCR बोलो या थायरिस्टर बोलो एक ही बात होती है। इसलिए यहाँ जब भी मैं थायरिस्टर बोलूँ या SCR बोलूँ दोनों का मतलब एक ही होगा। थायरिस्टर मीन्स SCR, SCR मीन्स थायरिस्टर, क्योंकि SCR का इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि SCR और थायरिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं रह गया हो। थायरिस्टर फैमिली के अंदर जो कई पार्ट्स होते हैं, कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें तो SCR प्रमुख है और इसके अलावा जो ट्राइक है, डायक है, पावर मोसफेट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो थायरिस्टर फैमिली के अंदर आती है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज SCR का होने की वजह से हम इसको SCR और थायरिस्टर को सेम ही मानते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं SCR में। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। SCR एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके अंदर फोर लेयर्स होती है, PN सेमीकंडक्टर लेयर्स होती हैं। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर तीन जंक्शंस होते हैं, थ्री जंक्शन होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कि SCR का स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें फोर लेयर्स होती हैं, पी टाइप, एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप, PN टाइप्स की फोर लेयर्स होती हैं जिसके तीन टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है एंड इसे हम गेट कहते हैं। यानी कि जो PN में जो P है ये वाला, ये गेट कहलाता है, गेट टर्मिनल कहलाता है। SCR एक स्विचिंग डिवाइस है। इसका ये सेक्शनल व्यू है और इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार का होता है, एक डायोड जिसमें एक गेट एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है। ये SCR का सिंबल है। इसका और इसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कैसे होता है ये बना हुआ, देखिए। ये P लेयर है ऊपर वाली, ये N लेयर है, PN, ये P लेयर, अगेन N लेयर। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये कैथोड होगा, कैथोड, ये एनोड है एंड ये गेट है। गेट P से निकला हुआ है, PN, ये जो वाला P है यहाँ पे देखो, ये P और ये P सेम है तो यहाँ पे गेट कनेक्टेड है। ये N लास्ट में जो N है उससे कैथोड कनेक्टेड है और ये एनोड P से कनेक्टेड है। इस प्रकार ये इसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू है ये इसका। PN, ठीक है, ये इस प्रकार से है। सामने से हम इसको देख रहे हैं तो P, अगर हम इसको और देखा आगे बढ़ाए तो इस तरीके टाइप से ये बना हुआ होगा। समझ में आया चीज कि PN, इसमें इस प्रकार से ये बना हुआ होगा। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का क्रॉस सेक्शन में तीन जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें चार लेयर होती हैं, PN और तीन जंक्शन J1, J2, J3 होते हैं, ठीक है। ये वर्किंग कैसे होता है, इसका ऑपरेशन क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर।
एससीआर के जनरली तीन मोड्स में काम करता है, ये ऑपरेशन इसके तीन हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसको जनरली ऑफ स्टेट कहते हैं, कंडक्शन मोड ऑन स्टेट कहते हैं, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये तीन मोड्स में काम करता है। ये जो मोड है ये वोल्टेज ऑपरेटेड मोड में है। अब आगे इसमें एक और हम देखेंगे करंट ऑपरेशन इसका। जनरली ये वोल्टेज ऑपरेशन के तीन मोड्स जो हैं वो पहले हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड के मध्य, जो ये तीनों पीएनपीएन जंक्शन है, इसको हमने एक लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट कर दिया और वीएए सप्लाई वेरिएबल सप्लाई दी है। हम यहाँ से वेरिएबल सप्लाई से वोल्टेज चेंज करेंगे और वीएके एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड नेगेटिव से। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से, गेट को हम अभी ओपन रखेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वीएके के अक्रॉस देखो पी जंक्शन J1, J2 और J3, जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि पी कनेक्टेड J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में होगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होगा। तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, केवल एक लीकेज करंट फ्लो होगी इसके थ्रू। IA जो करंट होगी, एनोड करंट, वो एक लीकेज करंट फ्लो होगी। तो जब तक ये वोल्टेज जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन नहीं हो जाए तब तक क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, ये ऑफ स्टेट में रहेगा और इसमें जो जंक्शन J2 होगा वो रिवर्स बायस में होगा। अब क्या करते हैं हम, इसके अलावा ये हो गए हमारी फॉरवर्ड। अब आता है कंडक्शन मोड। कंडक्शन मोड में क्या होगा, ऑन स्टेट। कंडक्शन मोड में ऑन स्टेट की बात करते हैं। ऑन स्टेट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वोल्ट VAK है ये जंक्शन J2 के ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ये जंक्शन J3 होगा। अगर हम जो VAK है ये ग्रेटर देन किससे होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, मैं इसको VBO ब्रेक डाउन वोल्टेज लिख देता हूँ। अगर ये इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज है तो क्या होगा, जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एवलांचे इफेक्ट, एवलांचे ब्रेक डाउन। उसकी वजह से क्या होगा, एवलांचे ब्रेक डाउन होते ही जंक्शन J1 J2 J3 से जो हमारे कैरियर्स है, फ्री कैरियर्स है, उसका मूवमेंट हो जाएगा और इधर से करंट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोड रेजिस्टेंस RL लगाना इसलिए ज़रूरी है कि यदि जब जैसे ही जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होता है तेज़ी से करंट फ्लो होती है, तो उस करंट को रोकने के लिए हम RL का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज VBO से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होती है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, हमारे जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम हो जाएगा, सारा वोल्टेज ड्रॉप RL के अक्रॉस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आते ही इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लगभग 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के लगभग होगा। इसको जब हम VBO से अधिक होगी तो एक करंट फ्लो होगी, वो करंट क्या होनी चाहिए, वो जो करंट फ्लो होगी वो मिनिमम करंट जो होगी उससे अधिक करंट होने, उस मिनिमम करंट को हम कहते हैं लैचिंग करंट, यानी कि IA जो होगी एनोड करंट उस लैचिंग करंट से अधिक होनी चाहिए। यानी कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए एनोड करंट लैचिंग करंट से अधिक होगी तभी हमारा ट्रांजिस्टर, हमारा जो SCR है वो ऑन होगा। इस प्रकार हम इसको ऑफ करेंगे, अब एक बार जो हमारा जो SCR ऑन हो गया तो इसको ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को कम करते जाएंगे और जब कम करते जाएंगे तो जो करंट होगी एक मिनिमम करंट उससे कम आने पर ही हमारा SCR ऑन ऑफ होगा। तो यानी कि जो मिनिमम करंट होगी ऑफ करने के लिए वो होगी होल्डिंग करंट, यानी कि अगर हम एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम हो तो ही हमारा SCR ऑफ होगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम होल्डिंग करंट कहेंगे। इस जो लास्ट है इसका मोड है वो है रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड में क्या होगा कि जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि जो हमने ये जो सप्लाई लगा रखी है वेरिएबल वो होगी रिवर्स हो जाएगी जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थी। RL लगाना यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मोड पहले ही ये रिवर्स बायस में है, करंट फ्लो होगी नहीं इसमें। तो ये जंक्शन J1 है, जंक्शन J2 है और जंक्शन J3 है। जंक्शन J1 एंड J3 रिवर्स बायस में है और जंक्शन J2
फॉरवर्ड बायस में आ गया, दो जंक्शन J1 J2 रिवर्स बायस में हो गया, यानी कि अगर दो डायोड रिवर्स बायस में सीरीज में जोड़ दिया जाए उस टाइप का ये कनेक्शन बन गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जो IA होगी वो कौन सी होगी, वो जो करंट फ्लो होगी वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होगी और वो बहुत कम करंट फ्लो होगी, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स लीकेज करंट। तो इसका किस हम इसका VI करैक्टरिस्टिक बनाएं तो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी VI करैक्टरिस्टिक देखेंगे।